सेठ जी तो बहुत सुंदर है, बहुत जचेगा मुझ पे। ये दे दो हमें, फिटिंग करवा दो बस जल्दी से। तू उसकी फिक्र क्यों कर रही है गुलाबिया? सुन, तू गुलाबिया का नाप ले, तब तक मैं अंदर से आ रहा हूँ अभी। सांस अंदर लूं क्या? देखिए, हम कोई डॉक्टर नहीं है और आप यहाँ पे दमे का इलाज कराने नहीं आई। जिस तरह से सांस लेती है वैसी सांस लीजिए, हम आपका नाप लेंगे। गर्मी सर पर चढ़ गई है, ले लो ना। कमर हमारी पतली है थोड़ी, आराम से। हमने नाप ले लिया। ठीक है, तो फिर हम चले। जी चलिए। अच्छी कैच पकड़ते हो बाबू जी। अरे अबे, तूने गुलाबिया का नाप ले लिया? हाँ, ये रहा। हाँ, चल ठीक है, तू अंदर जा, आज तेरी छुट्टी। अंदर जाए? छुट्टी क्यों? हमें नहीं चाहिए छुट्टी। अरे आराम तो चाहिए, तेरे पैसे ना काटूंगा, जा। सेठ जी, पर हमें छुट्टी की जरूरत नहीं है, हम काम करना चाहते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, जा तू यहाँ से, जा चल। पर सेठ जी, नाप तो सही लिया इसने, बहुत बढ़िया। अच्छा, लड़का अच्छा है ये। मंगेर, ये देख, ये पिंकी जी क्या करिए। देख पिंकी जी ना, तेरे को जाने से पहले अपने हाथों के बनाए हुए लड्डू खिला के भेजेंगे, पिंकी जी बोल रहे हैं। सचमुच साहब जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो। अरे मंगीलाल, तुझे कुछ भी नहीं पता। तुझे पता है, अगर पिंकी जी को जमाने का डर ना हो ना, तो पिंकी जी तुझे अपनी दुल्हन बना के घर ले जाए। बस एक बात बोलूं साहब जी, आज ना कुछ खाने पीने का मन ना कर रहा है, बस अंदर से ना एक जोर से बड़ी अजीब सी इच्छा हो रही है। फिर से? कोई बात नहीं मंगीलाल, तू बोल बोल, क्या इच्छा हो रही है? साहब जी, मैं चाहता हूँ कि आप ना लड़की बनकर मेरे सामने नाचो और मैं देखूं। मेरी आखिरी इच्छा है साहब जी। कोई बात नहीं। पति को बस में करने के हजार तरीके दे रखे हैं इस किताब में, लेकिन पत्नी को बस में करने का एक भी तरीका ना दिया। बेकार किताब है, पति में ही सब दोष होते हैं। अबे तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, मतलब पत्नी के बिना मन ना लग रहा पति देव का। साले क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब है क्या? मुझसे पंगे मत ले इस समय। पहली सेठ जी ने पता नहीं बिना मतलब के हमें छुट्टी देकर ऊपर भेज दिया उठा के। सेठ जी ने छुट्टी? अबे साले, सेठ जी का बस चले तुझसे रात में भी दुकान बिठा के लहंगे बिकवाए, मैं छुट्टी क्यों देने लगे? अबे वो गुलाबिया के चक्कर में। गुलाबिया के चक्कर में? अब गुलाबिया भी तुझे ना पसंद करती?
अबे किसी से तो बना के रख ले यार जिंदगी में, हाँ? किसी से ना बनती इसकी। अबे पहले बात तो सुन लिया कर यार एक बारी के लिए। हाँ बोल। वो गुलाबी आई थी दुकान पर और सेठ जी ने हमें रफू चक्कर कर दिया ताकि उनके इश्क में कोई बाधा ना आए। अबे इश्क बाजी मतलब सेठ जी की जवानी जो है ना गरम तेल में पड़ी पूरी तरह फूटी जा रही है भाई। साले तुझे मजाक सूझ रहा है भाई? सेठ जी कंजूस हो सकते हैं, काईया आदमी हो सकते हैं, मतलब सब कुछ हो सकते हैं यार। लेकिन इस तरह के आशिक मिजाज के निकलेंगे सोचा ना था यार। अरे सटे आ गए यार, ये सब उनकी उम्र का दोष है भाई। बुना गर्मी की फुंसी को जवानी का मुहासा समझ बैठे। सेठ जी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी हमें, हमारी नजरों में गिर चुके हैं, सोचा भी नहीं था। अरे गिरते हैं यार, बड़े बड़े अच्छे गिर जाते हैं। अब गिरने के लिए कहीं ना कहीं से आदमी छलांग लगाता है, तो सेठ जी ने भी अपनी गृहस्थी से छलांग लगा दी गुलबिया की गोद में गिरने के लिए। फिर मजाक कर रहा है यार तू? मुझे यहाँ पे रोना आ रहा है इलायची जी और आंटी जी के लिए सोच के, और तू साले हंस रहा है यहाँ पे? अबे यार ऐसे बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ जाके इलायची जी को बता दे सब, कहीं ऐसा ना हो भाई सेठ जी की दूसरी शादी कार्ड छप जाए और तू बैठा बैठा यहाँ रोता रहे। तेरे को समझ नहीं आ रही ना? नहीं बता सकता ना यार। तो ले आम चूस ले तू। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर पिंकी। जी सर। व्हाट नॉनसेंस, सिलाई कढ़ाई बुलाई तो करते थे, अब थाने में नचनिया बनकर नाच भी रहे हो? ना सर, मतलब आप समझ नहीं, मतलब पिंकी जी मतलब। चुप रहो, अगर आज तुमने ढंग का कारण ना बताया ना तो नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर बस नचनिया बनके पूरे शहर में बस नाचना। ना सर आप समझ ना रही है सर, पिंकी जी दरअसल ना ये मंगी को ट्रेनिंग दे रही है सर। ट्रेनिंग? हाँ जी। ट्रेनिंग? हाँ जी सर। कैसी ट्रेनिंग सर? पिंकी जी ये ट्रेनिंग दे रही थी कि अगर बाय चांस कल मंगीलाल कोई केस सॉल्व कर रहा और कोई ऐसे मतलब लड़की ऐसा एकदम अट्रैक्टिव सी बन के ऐसे डांस करके दिखाए तो इसको रीझना नहीं है, इसको मतलब कंट्रोल रखना है, वो ट्रेनिंग दे रही थी। इंस्पेक्टर पिंकी भाई तुम्हारी भावनाएं तो अच्छी हैं। हाँ जी। लेकिन हमेशा की तरह तरीका बड़ा अजीब है। खैर अब सिखाने से मतलब है तो सिखाते रहो। इंस्पेक्टर पिंकी। जी सर। बहुत क्यूट लग रहे हो। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं ना, तू अब कहां देख रिया है? तुमका देख रिया हूं। मम्मी यार मेरे पापड़ कब बनाओगे? हमेशा पापा की पसंद की चीजें बनाती रहती हो और अपनी बेटी की जो चटोरी जबान है वो बस आहे बढ़ती रहे, है ना? इलायची बेटा देख, तेरे पापा ना बहुत सीधे साधे इंसान है, बस उनको खाने का ही तो एक शौक है, हाँ? इसलिए कम से कम उनको खाना तो खिला दो अच्छे से। बना देना मेरे लिए पापड़ हानि तो। ठीक है। अरे जीजा जी कब से यही खड़ो के हमारी बातें सुन रहे हो? शर्म नहीं आती लेडीज की बातें सुनने के लिए? हाँ ऐसी बात नहीं है, एक सेकेंड आप लोग हमारी बात सुन सकते हैं? देखिए हम आपको जो बात बताने वाले हैं उससे हो सकता है कि हम आपकी नजरों में बुरे बन जाए, लेकिन हमारा ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है और हम आपको बता के रहेंगे। देखो पंचम, ये तनख्वाह के बारे में तुम्हें बात करनी है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तो खुद की तनख्वाह ना बड़ी है, तो खुद अपने सेठ जी से बात कर ले बेटा। है नहीं आंटी जी, तनख्वाह की बात नहीं है और हमारी बात नहीं है, ये सेठ जी के बारे में। लो अब पापा कब से
खुद को ऐसे तनख्वाह देने लगे है ना। आप भी अजीब लोग हैं, तनख्वाह के अलावा भी और बातें होती हैं जिंदगी में। सॉरी एक सेकंड आंटी जी, हमारी बात सुनिए। देखिए जो बात हम आपको बताना चाह रहे हैं ना, वो छुपाने लायक है ना वो बताने लायक, और अगर हमने अंदर रखी तो हमारी सास मर जाएगी। खबरदार जीजाजी, आप मेरी माँ को ऐसे नहीं मार सकते हैं। क्या? अरे इलायची, मेरे बारे में थोड़ी अपनी सास के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इसकी सास मैं, मतलब इलायची तू। अरे एक सेकंड आंटी जी, ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि पिंटू भी तो आपकी बेटी जैसी है, तो आप उनकी सास हुई। लेकिन हम उस सास के बारे में बात नहीं कर रहे, हम दम घुटने वाले सास के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने आपको ये बात नहीं बताया तो हमारा दम घुट जाएगा और हमारी सांस अटक जाएगी। अरे तुम कहना क्या चाहते हो, खुल के बताओ ना पंचम। देखिए आंटी जी, हम क्या खुल के बताएं अब आपको, सेठ जी इतने खुल गए हैं। चीचा जी, देखिए लाइजी जी, हमने पहले भी आपको ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन फिर हमने सपना देखा कि जैसे ही हमने आपको ये बात बताई, आप लोगों ने छत से कूद के अपनी जान दे दी, और लाइजी जी हम डर गए और हम नहीं बता पाए। अरे यार प्लीज, अब जो भी है बात आके खत्म करो, क्योंकि मेरा और मम्मी का दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बताओ क्या हुआ है। इलायची जी, सेठ जी का चक्कर गुलाबिया से चल रहा है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे दिमाग ही फूट गए, ये नहीं हो सकता। मम्मी, खुद परेशान हूँ यार। अबे करना क्या, मैं कह रहा हूँ जाके आंटी जी को बता दे, एक ही घुसंडे में गुलबिया ना अंजर पंजर सब ढीले हो जाएंगे। यार तू कैसी बातें कर रहा है यार, हम आंटी जी को जाके नहीं बता सकते, जिस पति की वो दिन रात पूजा करती है वो किसी और की भक्ति कर रहा है, कैसा लगेगा यार जान के। अरे भाई सबको प्रसाद का लालच होता है यार। देख मैं क्या कर रहा हूँ यार, इलायची जी कमजोर दिल की लड़की ना है, बहुत मजबूत इरादे वाली हैं। अब तू जाके कम से कम इलायची जी को तो बता दे। भाई इलायची जी कमजोर दिल की है, वो कोई मजबूत नहीं है, तेरे को बताया ना मैंने कितनी बार उन्हें मैंने सपने में बताने की कोशिश करी है, वो यार छत से कूद गई। सपना सपना सपना, पागल हो गया क्या, सपने ने मुश्किल कर रखी तेरे। अबे सपने में तो कितनी बार मैंने तेरे मुंह पे चप्पल मारी है गोबर में भिगो भिगो के, लेकिन हकीकत में कभी लगी? यार सपना हकीकत में बहुत फर्क होता भाई। ये सपना हकीकत के एकदम करीब करीब है, कुछ भी हो सकता है यार, हम नहीं बता सकते इलायची जी को। इलायची जी अपने पापा पे विश्वास करती है, तू समझ क्यों नहीं रहा इस बात को, उन्हें कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा ये जान के, वो नहीं सह पाएंगी। तो मैं भी ना सह पाऊंगा बता रहा हूँ, अब अगर तू दोबारा चिल्लाया ना तो मैं जाके सब बता दूंगा, नीचे सबको बता दूंगा, पूरी पोल खोल दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। रातें काली कर रखी है। ओएमजी इलू क्या बात कर रही है, जीजा जी ने गुलाबिया को बाहों में। इलू इलू तू आइसक्रीम खा, ठंड पड़ जाएगी। खून खून पीऊंगी मैं, जीजा जी का खून ही पी लूंगी मैं। ओ वैम्पायर, गर्मियां चल रही हैं, लोग ठंडाई पीते हैं, जलजीरा पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, खून कौन पीता है यार? मैं पीती हूँ। खून पी जाऊंगी और जितना बचेगा ना ब्लड बैंक में जाके ना दान दे दूंगी मैं। हिम्मत कैसे हो इस गुलाबिया की कि मेरे घर में आए, मेरी दुकान में आए। जीजा जी उसका नाप ले रहे थे, तुझे पता है उस चुड़ैल का नाप ले रहे थे जीजा जी। बताओ यार कैसा जमाना आ गया, लोग आजकल नाप लेके गर्लफ्रेंड बनाते हैं। थैंक गॉड मेरे पिंटू जी ऐसे नहीं है, वरना मेरा तो ये सेल्फिश औरत, या मैं अपना दुखड़ा रो रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ और तू अपनी पुंगी बजा रही है बेशरम। सॉरी सॉरी, चुप। और एक सेकंड क्या, हाँ तू खाली हाथ कैसे आ गई वापस, मुंह क्यों नहीं नोच लिया तूने उसका? सुनो एक बात हमेशा याद रखना, जो अपना ये दही है ना अगर वो खट्टा हो तो रायते को ब्लेम नहीं करते, आ रही समझ में? इलू तेरी दही खट्टी होने वाली सेल्फी। इलू यार मुझे ना कहीं गलती तेरी भी लग रही है, तू ही कह रही थी ना जीजा जी को थोड़ा खुल जाओ अब देख कितना खुल गया कि मतलब एकदम बिखर ही गए हैं यार। नहीं सुनू,
नहीं, मैं इस जमाने की गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने ना बहुत ही मतलब ना टाइम दिया जीजा जी को, मेहनत की है, ट्रेनिंग दी है अपने स्टाइल का बंदा बनाने के लिए, और अब इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगी। फिर भले ही चांदनी चौक में कत्ले आम क्यों ना हो जाए, तब भी नहीं। यार कत्ले आम छोड़, तू कन्फ्रंट क्यों नहीं कर लेती उनके साथ, एक बार कन्फ्रंट कर ले सब ठीक हो जाएगा। इलू करूंगी सुनू, पर अभी नहीं। तू देखना पहले मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी और फिर उनका मुंह काला करूंगी। अगर ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी इलायची नहीं। तू देखना सुनू। अपना मतलब मंगीलाल, तू खा, तू ना अच्छे से खा एकदम। मतलब पिंकी जी जाते तेरी ना कोई इच्छा भी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पिंकी जी बोल रहे हैं साहब जी। हाँ, फ्रूट खाने से खून बढ़ता है। हाँ, उम्र ना बढ़ेगी। पतंग कट गई, अब मांझे को ना तेल पिलाने से कोई फायदा ना रहा। अरे मंगीलाल, तू दिल दुखाने वाली बात क्यों कर रही है यार। मतलब साहब जी। हाँ? आप ना मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। फिर से आखिरी इच्छा? ठीक है ठीक है, बोल बोल बोल, तेरी क्या आखिरी इच्छा? साहब जी, मैं चाहता हूँ आपने ये पुलिस की नौकरी छोड़ दीजिए और गांव चले जाइए। मैं आपको ना खेती बाड़ी करते हुए देखना चाहता हूँ। अपना मंगीलाल, तू ये क्या मतलब फालतू की बात करी है? तू कैसी बात करी है मंगीलाल? तू आप सच सुनना चाहते हो? साहब जी एक बात बताइए। हाँ? मेरे बिना आपका मन लगेगा इस थाने में? साहब जी याद कीजिए, अगर एक हफ्ते के लिए मैं छुट्टी से बाहर चला जाता हूँ ना। हाँ? तो आपकी शक्ल जो है ना सड़े हुए गोबर की तरह हो जाती है। इसलिए साहब जी मुझे डर है कि मेरी याद में कहीं आप आत्महत्या न कर ले। तुझे मतलब पिंकी जी की इतनी फिक्र हो रखी है कि तू अपने मरने के पहले भी मतलब पिंकी जी का पूरा इंतजाम करके उन्हें सेट करके जाना चाह रही है ना? तुझे तो निपटा के जाऊंगा साले। साहब जी आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मंगीलाल कोई बात नहीं, तू यहाँ रुक, पिंकी जी जाके ना अपना इस्तीफा टाइम करा के अभी यहाँ से लेके आते, ठीक है? लोटे क्या हो गया, सूरत क्यों लटका रखी है अपनी? ऐसे झूल गई नीचे था, क्या बात है? कड़क चाय। चाय क्यों उधर बैठ गया? सोड़ा करे आ, मैं बैठा हुआ। मुंह क्यों लगा रहे है ऐसे तू? सीढ़ी बात तो सुन लो। हाँ बता। सीढ़ी पूरी जिंदगी में अंधेरा फैला रखा है इस मौसम ने। क्यों? सीढ़ी अब समझ में आ रहा है मुगले आजम पिक्चर में सलीम को अपने बाप पे इतना गुस्सा क्यों आता था। कसम से मन कर रहा है ना इस मौसा के ऊपर काले नाग छोड़ दूं। अबे ऐसा हुआ क्या ये तो बता पहले। सीढ़ी मौसा मुझसे बोल रहा था, उसने बचपन में एक साधु को वादा किया था। हाँ। वो इस घर से एक बच्चा दान में देगा। हाँ। हिमालय जाके सन्यासी बनवाने के लिए। बताओ मेरे पीछे पड़ा है कि पहाड़ों में चले जा। ऐसा थोड़ा ही होता है, मजाक कर रहा होगा। ना ना सीढ़ी, मजाक ना कर रहा था। हाँ तो सुबह से उसने बर्फ का गोला डाल दिया मेरे बिस्तर में, बोल लिया था तेरे को है ना ठंड की आदत होनी चाहिए ना। अच्छा तू कह दे ना कि मुझे गुलबिया से प्यार हो गया है। सीढ़ी बोला था मैंने उसको, बोल लिया था गुलबिया में ना बीवी बनने का कोई लक्षण ना है। सीढ़ी बताओ है, अनार बम में लपेट के मुझे फुलझड़ी मिली है, हमें दिवाली भी ना बनाऊं है, ये भी कोई बात हुई?
अब तय तुझे करना भैया कि हिमालय में जाके तुझे तपस्या करनी है या हिमालय में हनीमून मनाना है। सीढ़ी करी ना लोमड़ पने वाली बात। सुनो सीढ़ जी, हिमालय तो मैं जाऊंगा, वो भी हनीमून मनाने। सीढ़ी मैंने तय कर लिया, मैं आज रात को ही ना गुलबिया के साथ भाग जाऊंगा। अच्छा, इतनी आसानी से कह दिया तूने कि गुलबिया के साथ भाग जाऊंगा। गुलबिया के बारे में सोचा तूने? गुलबिया अपने घर की जो है दरवाजे की चौखट लांग पाएगी? बात कर रहे हो बेकार की। सीढ़ी सुनो तो। हाँ। गुलबिया नहीं तो आइडिया दिया है मुझे। सीढ़ी सुनो, मौसा की मुझ पर नजर रहेगी, तुमको मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। हाँ। गुलबिया रात को तुम्हारे पास आएगी, उसको लेके तुम बस अड्डे आ जाना, मैं तुमको वहीं पे मिलूंगा। हैं? वो मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। सीढ़ी लड़के वालों की तरफ से हो तुम अब। देख तू टेंशन मत ले, मैं गुलबिया को लेके बस अड्डे पहुंच जाऊंगा, बस ठीक है। धन्यवाद सीढ़ जी, गुलबिया के जेठ जी। जेठ जी। और सेठ जी, इलायची कैसी है? चाय तो कड़क है। चिल्ली